जिला अस्पताल में लगा वैक्सीनेशन कैंप, 45 साल से ऊपर के लोगों ने लगवाई वैक्सीन। लगातार कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं सरकार भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। इसी के चलते जिला अस्पताल में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने करा। इस कैंप में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों ने वैक्सीन लगवाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस महामारी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वास्तव में हम जैसा महसूस करते हैं, देश को इस टीकाकरण की आवश्यकता है और हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें रुचि ले रहे हैं और जो उन्होंने शब्दावली का प्रयोग कराया कि जान है तो जहान है, और आज इसकी आवश्यकता है। सारे देशवासी जो भी अपने आप को, जिनकी एक निश्चित आयु हो गई है, वो इस काम में अपने आप को जोड़े, सहयोग करें और आज से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, हम उसका सहयोग और समर्थन करते हैं और सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि इस काम में अपने आप को एक खुले मन से जोड़ने का काम करें, जिससे कि हम टीकाकरण में अपने आप को जोड़कर लाभ पा पाएँ। ठीक है। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इस महामारी से सभी लोगों को बचाया जा सके। वहीं शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने शहर की जनता से अपील की है कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। मनाया जा रहा है, कोरोना भी लगातार बरेली में पैर पसार चुका है। टीकाकरण का जो अभियान है, महात्मा ज्योतिबा फुले जिनके नाम से बरेली में यूनिवर्सिटी भी है, कि जन्म से भाई साहब आदरणीय श्री से लेकर 14 तारीख तक जो मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं बरेली वासियों को क्या पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, बीमारी रोकने का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल अगर कोई मेथड है तो वो है टीकाकरण। चेचक का उन्मूलन टीकाकरण से हुआ, हमारे पोलियो का उन्मूलन टीकाकरण से हुआ, और मैं समझता हूँ कोविड का भी उन्मूलन बहुत जल्दी टीकाकरण से होगा। 45 साल से ऊपर के हर शख्स को, हर भाई बहन को टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं होता और टीकाकरण के फायदे ही फायदे हैं। मैं स्वयं दोनों डोज लगवा चुका हूँ, मुझे तो कोई परेशानी हुई नहीं। मेरे परिवार के सभी लोगों ने लगवाया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, टीकाकरण से कोई परेशानी नहीं होती, हर एक को टीकाकरण ज़रूर करवाना चाहिए। और 11 से 14 तारीख तक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, इसको सभी को सहयोग करना चाहिए। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र की जनता से सभी से कहूँगा, टीकाकरण ज़रूर कराएँ, ज़रूर कराएँ, ज़रूर कराएँ। 15 तारीख को होने वाली पंचायती चुनाव को लेकर संजय कम्युनिटी हॉल में लगा प्रशिक्षण केंद्र। 15 तारीख को जिला बरेली में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसी के चलते संजय कम्युनिटी हॉल में तमाम सरकारी कर्मचारी को एक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे होने वाले मतदान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।